अभी इसको कुछ बोलो लेकिन हंसती रहती है, ये तो बात आप में है। हाँ वो बचपन से बेशरम है ना। मेरी मम्मी जो है ना तो पिछला जन्म में बहुत अच्छा काम की थी, तो अब इस जन्म में हम पैदा हो। बोले लावण ने बीच में किसको घुसा लेता, आप हीरोइन से बात किया कीजिए। आप हमारे साथ देख सकते हैं, दो खूबसूरत जोड़ी है। जी हाँ, यही सोना और ज्योतिष। और देखिए किस अंदाज में खड़ी है सोना जी, जैसे लग रहा है बिल्कुल चांदी जैसे दिख रहा है। और आप देख सकते हैं ये जो है सोना जी है और ज्योतिष जी है, और कहीं ना कहीं खूबसूरत दोनों जोड़ी जो है पूरा बिहार में कहीं ना कहीं पूरा धमाल मचा के रखे हुए हैं, और लगातार इन दोनों का वीडियो जो छोटा छोटा रील वीडियो वायरल हो रहे हैं। पहले तो आप इनसे इनके बारे में बताने से पहले जो हमें सबसे पहले छोटे छोटे जो वीडियो लगा रहे हैं, रील वीडियो लगा रहे हैं, इसको देखिए। रुको जरा, सबर करो ज्योतिष, 200 रुपया दबे हमारा काम से फिर हम दे दो। की हाल छो? वही जे तोहर बहिन के हाल छो। रुको जरा, हमर बहिन के तो पेट झड़े छे, तोरो झड़े छे। आई लव यू, हमरा से बियाह करबी ना, रानी बना के रखबू रानी। वो तो ठीक छे, तोरा पास प्रॉपर्टी कितना छो? प्रॉपर्टी हमरा पापा लग 2 गो कार छे, 2 माल के मकान छे, आ 2 गो फैक्ट्री छे। तो तू की करे छे, अपन बाप की नंबर ला ने ला बाप। जी हाँ, आप लोग देख लिए होंगे और इस दोनों चेहरा को पहचान ही गए होंगे। जी यही एक खूबसूरत जोड़ी ज्योतिष और सोना जी है। आइए इनसे जानते हैं कि इसका शुरुआत, इनका जर्नी क्या रही है और कहां तक अभी मुकाम हासिल कर पाए हैं, यही बात इन दोनों से जानेंगे। आखिर क्या फ्यूचर में क्या करना चाहते हैं ये दोनों। सबसे पहले हम तक न्यूज में आपका स्वागत है। जितने भी हम तक न्यूज के देखने वाले दर्शक हैं सभी को मेरा प्रणाम, और ऐसे ही मुकेश भैया को भी सपोर्ट करते रहिए आप लोग, और अच्छा से अच्छा और बेहतर से बेहतर हमेशा न्यू अपडेट देखने के लिए मुकेश भैया को फॉलो कर लीजिए हम तक न्यूज को। क्या करिएगा, रील में बेइज्जती तो बेचारा करवे करते, रियल में भी करिए। बोले लावण ने बीच में किसको घुसा लेता, आप हीरोइन से बात किया कीजिए। हीरोइन से बात किया करिए, ये छोटी सी बच्ची से बात जरूर बात किया करिए। आप तो बच्ची लग रही है दोनों, हम लोगों के बीच में बच्ची लग रहे ना, लेकिन आप सबसे बड़े हैं। ये छोटी सी बच्ची अपने आप को दादी माँ कहती है, चलिए कहीं ना कहीं ठीक है, और आप लगते भी है, बोलने में ऐसा भी दिखती भी है। हाँ मतलब हम मजाक किए थे, आप सीरियस लेंगे? सीरियस आप मजाक थोड़ी किया, तो सीरियस बता रहे हैं हम, तो बस आपको एक साथ मजाक किए थे। हम तो अभी 20 साल से पहले हम तक निजम आपका स्वागत है। सबको मेरी तरफ से नमस्ते, अहाँ सब केहन छिए? बढ़िया है वे, अहाँ सबका दिल से शुक्रिया। अच्छा, इतना टैलेंट आप कहाँ से हुई है, कहाँ से इतना टैलेंटेड बोलने के लिए सीखी है? मेरी मम्मी जो है ना तो पिछला जन्म में बहुत अच्छा काम की थी, तो अब इस जन्म में हम पैदा हुए। नहीं, बहुत आदमी जहाँ भी हम जाते हैं ना यही कहते हैं कि वो लड़की कहाँ की, इतना टैलेंटेड, इतना फुर्तीली, इतना अच्छा कहाँ से बोल लेती है। हम तो बोले कि मम्मी मेरे, ये सब मम्मी पे होता। मुझे ऐसा नहीं लग रहा है कि पहले से कोई भी काम में आप माजे हुई है और कोई चीज में काम किए हैं तब जाकर इतना आप सीख पाई है। कहीं किसी कंपनी में काम किए थे क्या? नहीं, शुरू से ऐसे ही है। ऐसा तो नहीं हो सकता है, जब तक कोई काम नहीं किया तो इतना फुर्तीली है, इतना बोलने में आप स्पीड आपके अंदर में नहीं हो सकते। आज के जो महिला है, आज की जो लड़की है, कहीं ना कहीं उसको पहले सीखना पड़ता है बोलने के लिए, चलने के लिए, कुछ बोलने से पहले 100 बार सोचते हैं, लेकिन आप इतना फुर्तीली, इतना तेज तड़ाक कैसे बोल लेती है? हम बचपन से ही ऐसी है, बचपन से ही ऐसी है, पैदे हुए बस ऐसे बोलना शुरू कर। अब तो हम इतनी अच्छी हो गए कि क्या बता, लेकिन बच्चा जब थे ना तो इतना घमंड था कि 2 साल हम किसी से बात नहीं किए थे। 2 साल तक चलते भी नहीं थे, मम्मी खिलाती थी खाना। अच्छा। 1 साल तक तो मम्मी खिलाई पिलाई प्यार से रखी, हमेशा सोए रहते थे, इतना घमंड था हमको। देखिए मतलब ऐसा लग रहा है कि हम बेवकूफ है, हमको समझ में नहीं करते इस तरह से बता रहे। नहीं बस मजाक के लिए बोल रहे थे हम ये सब, ऐसा कोई बात नहीं है, सब मतलब किसी किसी के अंदर टैलेंट होता है ना। अच्छा, आप कितने भाई बहन? एक भाई, अकेली बहन। अकेली बहन में इसीलिए इतना तेज तड़ाक बोलते हैं, बचपन से कह रियल बोल रहे हैं कि होंगी नरा मतलब शरारती होंगे, मजाकिया होंगे, क्योंकि एक बेटी बहुत दुलारी होती है। मेरी मम्मी है ना, मुझसे भी ज्यादा कॉमेडी करती है। अच्छा, अब उनसे कभी बात कीजिएगा ना, अगर घुल मिल गए तो वो भी बहुत फनी है, इसलिए उसकी बेटी है ना तो फनी है रहेंगे ना। चलिए बाकी, अच्छा इस हवा हवाई को कैसे संभाल लेते हैं? ऐसे ही मतलब समझिए जैसे कम पता है ना, हिलते डुलते रहते हैं, तब्बड़ भी संभाल, गिरते नहीं है, बस इधर उधर से संभाल मतलब किसी तरह संभाल लेते हैं, बच जाते हैं इनसे। देखिए आपसे ये पृथ्वी भी डरती है आपको कम की वजह से, इनके बात में मत रहिए। और इसकी फ्रेंड है तो उससे मिलने के लिए हमेशा दिल करते रहती है, हम इसको बोलते हैं कि तुम उससे नहीं मिलो, बाइन केस कहीं इधर लड़ाई उड़ा हुआ तो कितना का मकान वकान टूट जाएगा। इसका क्या मतलब, हम दोनों मोटी हैं, उसको देखिएगा तो मार दे तो थोड़ा
लग गया फैट, लग गया ज्योतिष को फैट। मतलब होता है ना कि अगर लड़ी तो कितना का मकान टूटेगा, क्या सामान फूटेगा, कोई ठीक नहीं। अच्छा आप फिटनेस बनाइए, शरीर आपको मोटे तगड़े होते जा रहे हैं। रियल बोल रहा है, हम बिल्कुल दिन पर दिन मोटा होते जा रहे हैं, जैसे लग रहा है आप जो है ना जिम करना चाहिए। आप छतापुर में जिम खुल चुका है जाकर? बस 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 कर लेंगे, हमको कोई दिक्कत नहीं है, बस अभी पैसा आप दे देंगे तो कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा ये बताइए, छोड़िए उतना बात को, नहीं हम सीरियसली नहीं लेंगे। आप सीरियसली लेने के लिए बचा है, सब तो बेइज्जती करिए दिए आप। नहीं नहीं बेइज्जती आप दूसरा करिए तो कोई बात नहीं है, अब हम कर लिए तो बहुत बड़ा बेइज्जती हो गया। सबसे बड़ी बात क्या है, जो भी हो जितना भी इसको कुछ बोलो लेकिन हंसती रहती है, ये तो बात आप में है। हाँ वो बचपन से बेशरम है ना। अच्छा ये बताइए कि आप इतना जो स्क्रिप्टेड ले लाते हैं कहाँ से लाते हैं? फनी लोग मतलब कुछ भी दिमाग में चलते रहता है, इसको ऐसे कर देंगे तो एक्चुअली में ना ये डेली की एक्टिविटी में होता है, लेकिन उसको लोग महसूस नहीं करता, फिर हम लोग वीडियो के थ्रू दिखाते हैं तो वो मतलब सोचता है कि हाँ ये फनी वीडियो। अच्छा एक कमेंट आया था जब आपका ये फोन लेकर के भाग गया था, उस समय कमेंट आपके नीचे पड़े हैं कि ये लड़की पागल है, अगर चाहती तो जैसे वो लड़का रुक करके बोल रहे थे तो उसको बैग को पकड़ भी सकता था। हाँ लेकिन अगर हम इसका बैग पकड़ लेते तो फिर फनी बनता ही नहीं। नहीं तो वो आप फनी टाइप में ही बोला है, इसी बात ने सीरियसली बोला है। हाँ। कमेंट को आप बता रहे हैं हम कि वो भी फनी टाइप से बोला, जब जितना आप बोल रहे हैं कि आई लव यू इधर जितना भी तब तक ये बोल रहे हैं कि हम अच्छा हम इंस्टाग्राम पे देखे हैं ऐसे चोर को पकड़ते हैं, तब तक भी इसको पकड़ सकती थी आप जितना रुक कर। हाँ। वो लड़का समझा नहीं, लड़की पास दिमाग ही नहीं होता है। कमेंट भी ये लड़की तब कहते लड़की पास दिमाग नहीं होता है। पहली बात तो ये है, ये कमेंट आया वो दूसरे को हल्ला कर रहा है, कोई बचाओ मेरा मोबाइल लेके भाग रहा है, अगर चाहे तो पाइप लटक के मेरा शर्ट में लटक करके मोबाइल छीन सकते। अच्छा अच्छा मतलब हम ब्यूटी खराब करते हैं बाइक में लटक के। मोबाइल जाए तो जाए, ब्यूटी नहीं जाना चाहिए, नहीं जाना चाहिए, बस बस चलिए बाकी देख सकते हैं। ये लोग कॉमेडी का एक जो है कि फनी वीडियो बनाती है, रील वीडियो बनाती है, सबसे ज्यादा जो है कि दोनों का जो है बहुत बड़ा भूमिका होता है, और बिहार में खास तौर से अभी जो नहीं देखा होगा इन तीनों दोनों का वीडियो फनी शॉर्ट वीडियो आप लोग जरूर जाकर देखें। ज्योतिष नाम चैनल नाम का लव ज्योतिष पर जाकर के आप लोग सर्च करिए, देखिए काफी फनी वीडियो फनी शॉर्ट वीडियो बनाती हूँ। अच्छा ये बताइए आप दोनों शॉर्ट ही बनाइएगा, लॉन्ग कब आ रहा है, कॉमेडी टाइप का वीडियो कब आ रहा है? हम बहुत जल्द लाने का प्रयास कर रहे हैं, बस उस पर काम करने के लिए हम लोग सोच रहे हैं थोड़ा सा कुछ इधर बजट। स्टोरी आप तैयार किए हैं? आप तैयार किए, दोनों का दिमाग है, दोनों का दिमाग है। कौन सा टाइप का स्टोरी है कि ये लव में है या कोई मतलब फनी में है या कोई कॉमेडी में है? सीरियस है, जो आप... ये माँ बेटा और एक चोर के ऊपर कहानी है। अच्छा इसमें माँ का रोल आप लिए? नहीं हम किसी का रोल नहीं है, इस पे कोई और करेगा काम, सिर्फ हम डायरेक्शन देंगे और शूट करने टाइम में बताएंगे किसी किसी। अच्छा, डायरेक्टर बन चुकी है, मतलब इसमें आपका रोल नहीं है? ज्योतिष का है, एक और भैया उसका है और एक लेडीज का है। अच्छा आपका नहीं है, आप तो कुछ ना कुछ रोल आपका भी होना चाहिए तो अच्छा लगता है। हम हाँ इसमें क्योंकि डायरेक्शन देंगे ना, इसीलिए डायरेक्शन डायरेक्टर खुद भी देंगे, जहाँ आपका होगा तो आप बोले हैं तो उसमें डाल देंगे गूगल क्रिएट कर। हाँ बस बस होना चाहिए था, अच्छा लगेगा। बाकी चलिए बाकी जाते जाते ऑडियंस को क्या कहिएगा? यही कहना चाहेंगे कि ऑडियंस की वजह से इतना सपोर्ट प्यार मिला है तो धन्यवाद है, शुक्रिया है, रियल बात ही बोलते हैं हम। क्या कहिएगा ज्योतिष जाते जाते अपने ऑडियंस को? देखिए ऐसे ही हम लोग को भी सपोर्ट करते रहिए, करते रहिए हमेशा न्यू अपडेट के लिए, जैसे हम लोग का नया वीडियो फिर से 2-3 को वीडियो मिलियन क्रॉस किया तो मुकेश भैया फिर से आए हैं, तो हमेशा नया अपडेट देते रहते हैं, नया नया जो मेरा वीडियो आते रहते हैं, तो अगर वायरल फिर से अच्छा खासा व्यूज जाता है तो मुकेश भैया को बताया कि नया एक बार फिर से पब्लिक के सामने कैसे वीडियो बना किस तरीके बना, तो वो चीज़ हमेशा आप मुकेश भैया दिखाने के लिए प्रयास करते दिखाने का, तो आप लोग फॉलो कर लीजिए और ऐसे ही सपोर्ट करते रहिए। चलिए बाकी यही मेरा प्रयास था कि एक दो जो जोड़ी है ये किस तरह से उभरते हुए हमारे बिहार में अपना नाम मुकाम हासिल कर रहे हैं, इस चीज़ को हम बार बार दिखाने का प्रयास करते हैं, क्योंकि एक जो लड़का था कल कुछ नहीं था, आज बिहार में कहीं ना कहीं हर वो इंसान इसको जानते हैं पहचानते हैं, और एक लड़की होकर के अपने एक तरह से दिन रात मेहनत करती है, आज के लड़की को जो कमजोर समझते हैं आज दिखाने का प्रयास ये कर रहे हैं कि अपने दम पर अपने मुकाम हासिल भी कर सकते हैं, ऐसा भी एक लड़की है इसी को हम दिखाने का प्रयास करते हैं। बेशक कॉमेडी है फनी है लेकिन एक लड़की तो है, लेकिन लड़की क्या नहीं करती इस चीज़ को दिखाने के लिए हम आपके पास लगातार आते रहते हैं, इसलिए हम आप बार बार प्रयास करते हैं, आप लोग इस चीज़ को फनी अंदाज में ही नहीं सीरियसली भी लीजिए, एक लड़की होकर इतना अपना नाम कमा रहे हैं। बाकी आप लोग क्या सोचते हैं कमेंट बॉक्स में अपना राय विचार जरूर दीजिएगा, तब तक के लिए मिलेंगे कुछ अगले अपडेट में वीडियो को लेकर के, तब तक के लिए देखते रहे हम तक न्यूज़ हम तक एक्सप्रेस। जय हिंद जय।